यानंतर या कार्यक्रमासाठी तुमचं यानंतर आदरणीय सर आपणास मार्गदर्शन करत. स्वर्गीय निकम साहेबांच्या चरणी नतमस्तक होतो, त्यांना स्मरण करतो. मी एवढ्यासाठीच उभा आहे की सिद्धार्थ एस कुमार यांचं सह्याद्री शिक्षण संस्थेमध्ये स्वागत तर करतोच, कारण त्यांनी सकाळी ट्रेन देखील लेट आली, 5 ची पोचायची, 7:30-8 आल्यानंतर आपल्या कॉलेजला, स्मारकाला, ॲग्रिकल्चर कॉलेजला ही धावती भेट आमची सगळ्यांची झालेली. त्यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती आप्पा देतील. मी त्यांचं संस्थेत स्वागत करतो. त्याचबरोबर पिंट्या शेठ असतील, केतन शेठ असतील, या गावच्या सरपंच असतील आणि आपल्या इथे विविध शाखांचे प्रमुख, त्याचबरोबर सह्याद्री शिक्षण आणि सह्याद्री परिवारातील आपण सर्व सदस्य. सिद्धार्थ सरांना बऱ्यापैकी संस्थेची माहिती गेल्या तासाभरात सगळी बऱ्याचशा अंशी, सगळी नाही पण काही अंशी त्यांना ती मिळालेली. त्यांचं मार्गदर्शन आणि त्यांचा हे आपल्याला प्रेरणादायी ठरेल आणि त्याचा उपयोग आपल्याला शाळा, कॉलेज, संस्था ही वाढवण्यासाठी कशा पद्धतीने होईल ह्याचा विचार आपण सगळ्यांनी करू. मी त्यांचं स्वागत करतो आणि विजयाप्पा गुजर यांना देखील त्यांच्याबद्दलची थोडक्यात माहिती सांगण्याची विनंती करतो. धन्यवाद. रविवार असून तुम्ही सगळेच, संडे ये वेकेशन आहे आज का, तभी भी सब लोग आए, इसलिए इनका ज्यादा स्वागत है. आदरणीय निकम साहेब, व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार शेखर सर, ज्यांचा आपल्या जे आपल्याला आता लेक्चर देणार आहेत किंवा आपल्याला सांगणार आहेत ते माझे ॲस्ट्रॉलॉजीमधील गुरु आणि माझे टीचर आदरणीय श्री सिद्धार्थ एस कुमार सर, माझे मित्र सचिन शेठ, पिंट्या सचिन उर्फ पिंट्या शेठ, आणखी केतन शेठ. जास्त वेळ मी काय बोलणार नाही, कारण आज आपल्याला सिद्धार्थ सरांचं स्पीच ऐकायचं आहे. सिद्धार्थ सरांचा थोडक्यात मी परिचय देतो की सिद्धार्थ सर हे वयाच्या 6व्या वर्षापासून ॲस्ट्रॉलॉजी, न्युमरॉलॉजी, ऑकल्टमध्ये जे जे सगळं आहे, हिलिंग असो, सर्व सगळ्या गोष्टी या सिद्धार्थ सरांनी वयाच्या 6व्या वर्षापासून शिकायची सुरुवात केलेली आहे. त्यांचे आजोबा वडील ॲस्ट्रॉलॉजर, त्यानंतर ते पुढे ते स्वतः फार्मसी ग्रॅज्युएट आहेत, ते चांगल्या कंपनीमध्ये ब्रँड ॲम्बॅसेडर होते आणि त्यानंतर त्यांनी डायरेक्ट टीचिंग लाईनमध्ये गेले 3 वर्ष त्यांचा आणि माझा क्लासच्या माध्यमातून, ऑनलाईन ऑनलाईन क्लासच्या माध्यमातून नेहमीच रिलेशन संबंध आले आणि हे संबंध येता येता सन्माननीय शेखर सरांनी आज हा योग चांगला आणून दिला. माझी नाही सिद्धार्थ सरांची ऑनलाईन ओळख होती, पण आज माझी ऑफलाईन ओळख झाली. स्टेशनला जेव्हा पहिल्यांदा भेटले तर त्यांनी मला ओळखलं, कारण मी त्यांना शोधत होतो कुठल्या डब्यामध्ये आहेत ते, पण ते उतरल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा मला ओळखलं. बरोबर गावडे सर होते, गावडे सरांनी त्यांना ओळखलं. एक ॲक्च्युली कुठेतरी परमेश्वराचा आशीर्वाद असायला लागतो की कोण कोणाच्या रूपाने कोणाला कधी चांगल्या माणसाला ओळख करून देईल. तशी सन्माननीय शेखर सरांनी या ठिकाणी सिद्धार्थ सरा, शेखर सर तर सिद्धार्थ सरांची मुंबईमध्ये वगैरे त्यांची भेट झाली, पण आज खऱ्या अर्थाने एक चांगल्या माणसाचे विचार ऐकण्यासाठी, ज्याला ऑकल सायन्समधले जे प्रभुत्व आहे, ऑकल सायन्समध्ये ज्ञान आहे, ज्याला भरपूर अगदी अल्पावधीमध्ये त्यांनी जी लोकप्रियता मिळवली, त्यांचे फॉलोअर्स भरपूर आहे, आज तकला असतात, इंडिया TVला असतात, सगळ्या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांचे असतात, रिसर्च करतात, अंकशास्त्रावरील त्यांची स्वतःची पुस्तकं आहेत, सोशल मीडियावर त्यांचे 100K फॉलोअर्स आहेत, केंद्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठामध्ये, UGC विद्यापीठामध्ये ते व्याख्याता म्हणून त्यांना नेहमी निमंत्रित करतात. ग्लोबल अलायन्स न्युमरॉलॉजी कॉम्प्लिमेंटरी थेरपिस्ट, म्हणजे मला काही गोष्टी सांगता येणार नाहीत त्या सरांनी केलेल्या आहेत. आणि अल्पावधीमध्ये त्यांचे क्लायंट्स वगैरे एवढे आहेत की ते ऑफलाईन ऑनलाईन फार मोठे मोठे लोक किंवा जे इंडस्ट्रीचे लोक आहेत, सचिन शेठसारखे, आपले पिंट्या शेठसारखे वगैरे, तर असे लोक त्यांचे क्लायंट आहेत की त्यांना ते मार्गदर्शन निश्चित करतात. आणि म्हणून मी जास्त वेळ काय बोलत नाही. आज एक चांगली संधी सन्माननीय शेखर सरांनी सिद्धार्थ सरांच्या रूपाने इथं आणून दिली, आपल्या सगळ्यांचा, आपण सगळ्यांनी लाभ घ्यावा अशा प्रकारची विनंती मी शेखर सरांना केली.
आणि मला मगाशी सर म्हणाले ते बरोबर आहे की आज रविवार असून तुम्ही आलात, पण मी जेव्हा बघितलं की सरांच्या सहीनं गावडे सर म्हणाले नाही, सरांच्या सहीनंच निमंत्रण काढलेलं आहे, त्यामुळे सगळ्यांना सरांनी आग्रहाची विनंती केली, म्हणून सगळेजण येणार आपण सगळेजण. हां, विषय पण आवडीचा विषय आहे, ठीक आहे, तुम्ही सगळे आलात त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. आणि सिद्धार्थ सर आपको मैं विनती करता हूँ. तो सबसे पहले शेखर निगम सर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया, तो और विजय सर का जो बहुत बड़ी कड़ी थे, ये काफ़ी पहले से जुड़े हुए थे और फिर इनके जरिए शेखर सर के साथ और फिर यहाँ आना हुआ. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि रविवार के दिन संडे के दिन यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही एक दिन होता है जहाँ हम थोड़ा सा आराम कर पाते हैं. तो मैं भी आराम की ही बातें करूँगा, आराम बहुत ज़रूरी है. वो बोलते हैं ना कि जागने के लिए सोना ज़रूरी है, तो इसी की बात करेंगे. चलिए, दो तीन छोटी छोटी चीज़ें करूँगा, छोटी छोटी बातें करेंगे, और ऐसा ये नहीं कोई प्रवचन चल रहा है, आप लोग भी अपने विचार शेयर कर सकते हैं, एक टू वे रखेंगे ताकि हमें कुछ हो. सबसे पहले बात कर लेते हैं संडे की, भाई आखिर ऐसा छुपा क्या है संडे में, संडे बना क्यों, कुछ तो होना चाहिए ना इसके पीछे कि भाई संडे की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको. भाई चाहे अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो जो रविवार बनाया गया क्यों बनाया गया, ज़रूरत क्या है इसकी, और क्या हम यहाँ इस संडे आकर कुछ गलत कर गए या कुछ अच्छा कर गए, दोनों को ही देखेंगे. अब देखिए, अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें सन डे, सन मतलब सूर्य, जो सूर्य का दिन है, या अगर हिंदी के हिसाब से देखें रविवार, मराठी में भी कुछ ऐसा ही जाता है, रवि सूर्य है, तो ये सूर्य का दिन है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो भी दिन है वो सूर्य का दिन है. अब सूर्य क्या है, सूर्य करता क्या है, हम उठे या ना उठे वो उठ जाता है, हम सोए या ना सोए वो सो जाता है, हम उससे मांगे या ना मांगे वो हमें देता है रोशनी गर्मी, और उसी रोशनी और गर्मी की वजह से हम सबको हर कुछ मिलता है, चाहे खाना हो पानी हो. इस पूरी पृथ्वी पर अगर हमारा जीवन संभव है तो उस जीवन के पीछे एक सबसे बड़ा जो वजह है वो सूर्य है, इसलिए उनको आदित्य कहा गया है. सूर्य क्या है, हमारी आत्मा है, हर इंसान के अंदर उसकी एक आत्मा है, मैं हूँ आप हों सबके अंदर आत्मा है, और आत्मा निरंकार है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई वजन नहीं है. ऐसे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें इसकी वजन को निकालने की कोशिश की गई थी 6 लोगों के ऊपर, लगभग 21 ग्राम के आसपास वजन आया था, बट दुनिया वालों ने उसको माना नहीं. बट फिर भी अगर इस देखें इस सूर्य रूपी आत्मा को, तो संडे एक ऐसा मौका है, एक ऐसा समय है जो हम सबको अपने अंदर के उस सूर्य को जगाने की ओर प्रेरित करता है. तो इस संडे को हमें इसी काम में यूज करना है, इसी काम के लिए संडे को बनाया गया है कि हमारा जो सूर्य है, हमारा सूर्य हमारी आत्मा है, उसको हमें जगाना है. अब जगाना क्यों है, भाई बात सही तो है ना? लाइफ में कुछ भी करिए, अक्सर हम क्या करते हैं, क्या कैसे, क्या है ये, कैसे होगा ये, व्हाट एंड हाउ, ये बाद का सवाल है. इससे पहले हमारा सवाल होना चाहिए क्यों, व्हाई, आखिर ये क्यों करें, इस आत्मा को ही जगाने की जरूरत क्यों है, हमें क्यों चाहिए, हमें सोने देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, सबके सो रहे हैं, इतने सारे लोग हैं 140 करोड़, सबके सो रहे होंगे, हम ही क्यों जगाएं. इसके पीछे के क्यों को भी समझते हैं कि क्यों हमें इसे जगाना चाहिए. आप सब लोगों ने पानी देखा है, नदी में भी पानी देखा है, समुद्र में भी पानी देखा है, अपने घर में भी पानी देखा है. घर में एक ग्लास में पानी रख दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, हफ्ते 10 दिन महीना भर में क्या होगा, क्या होगा उस पानी के साथ, बता सकते हैं क्या होगा उस पानी के साथ, खराब हो जाएगा, स्मेल आने लगेगा. लेकिन नदी में तो सालों साल से पानी है, समुद्र में तो सालों साल से पानी है, उसको क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो चल रहा है, वो कंटिन्यूअस मोशन में है. कुछ ऐसा ही हम इंसानों की आत्मा के साथ होता है.
अगर हम हर पल हर लम्हा हर मोमेंट खुद को बदलते नहीं रहेंगे, खुद को बेहतर नहीं करते रहेंगे, तो हम उस ग्लास में रखे हुए पानी की तरह सर जाएंगे। और सरना किसे पसंद है? किसी को नहीं, हमें तो बेहतर बनना है। तो ये जरूरी है इस संडे को या इस रविवार को अपने जीवन में यूज करने के लिए। यूज तो कर लिया, बट अब खुद को किससे बेहतर करें? भाई सीधी सी बात है ना, हम इंसान हैं, जब तक किसी से तुलना ना करें तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। भाई कंपैरिजन करना जरूरी है ना, सच्चाई तो यही है ना। जब तक किसी से तुलना नहीं करेंगे कि हम बेहतर किससे हैं, अच्छे किससे हैं या बुरे किससे हैं, तब तक वो मजा नहीं आएगा। नहीं आना है, किसी इंसान को नहीं आता है। अगर कोई बोलता है कि मुझे बिना तुलना किए मजा आता है तो कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, हकीकत है, नहीं हो सकता ऐसा। सीधी सी बात है, हमें कहीं भी जाना है, अगर हम हमारी जो भी नस चल रही है, नब्ज चल रही है, ये भी धड़कती है 70-72 पर मिनट के हिसाब से। ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत। तो हम तुलना करें तो करें किससे? ये दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें बेहतर बनना है, खुद को इवॉल्व करना है। और रविवार से बढ़िया मौका, रविवार से बढ़िया दिन हमें कोई नहीं मिलेगा। तो तुलना करें किससे, किससे करना चाहिए तुलना? कोई कुछ बताना चाहे, किससे करें तुलना, किससे खुद को बेहतर करें? खुद से, क्या बात है। हाँ, ये बात सही है कि खुद से कर सकते हैं कि जिसमें, लेकिन हमेशा खुद से बेहतर करना ना सही नहीं होता। खुद से किसी को वो मोटिवेशन नहीं आता, अरे खुद से क्या बेहतर करें, कैसे मेजर करेंगे? बट डेफिनेटली अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें, वेदों के हिसाब से भी देखें, तो हम आज से कल क्या थे, आज क्या हैं, उसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग टीचर हैं, मैं बहुत पहले पढ़ाया हूँ, तो अब जीवन की जो शिक्षा होती है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है, कंपाउंड की तरह। अगर हम हर दिन एक सीखेंगे तो फाइनली 365 दिन में 365 नहीं सीखेंगे, उससे ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि हर एक आपस में इकट्ठा होता चला जाएगा। तो हमारी जो जर्नी है, हमारा जो इवोल्यूशन है, वो वहाँ तो होता ही होता है। साथ ही साथ कभी बुरा नहीं है दूसरों से तुलना करना। अक्सर हमारे मन में लगता है कि हम दूसरों से तुलना करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है करने में। हाँ, हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते कि भाई मैं इसलिए अच्छा नहीं हूँ क्योंकि वो बुरा है, मैं इसलिए अच्छा हूँ क्योंकि मैं अच्छा हूँ। तो हमें दूसरों से जो तुलना करनी है ना, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन आपके जो कंपटीशन है, सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आपकी तरक्की कितनी हुई है इसका पता आपको उन्हीं से चलता है कि उनकी जलन कितनी हो रही है। तो जिस दिन वो जलने लगे और उनकी जलन बढ़ती चली जाए, मतलब आप तरक्की कर रहे हैं, जिस दिन लगे कि वो जलन करना बंद कर चुके हैं, अब वो जल नहीं रहे हैं, मतलब आपको सोचने की ज़रूरत है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ सही करने की ज़रूरत है। तो और ये इंसान का फितरत है, ये इंसान की फितरत है कि इंसान किसी को पसंद करेगा तो किसी को नापसंद भी करेगा। तो हर वो इंसान जो आपको नापसंद कर रहा है या आपके प्रति वो भावना नहीं रख रहा है जो उसको रखना चाहिए, वो दरअसल आपका सबसे बढ़िया मित्र है, जो आपको ये बता रहा है कि आप मुझसे बेहतर तो पक्का हो, वो आपको बता रहा है। और जब आपको सबको ये लगने लगे कि आप सबसे बेहतर हो, तो आपने कुछ कर लिया, कुछ हासिल कर लिया। तो ये दूसरी चीज़ है। तो लाइफ में कंपैरिजन बुरा नहीं है, हाँ, बट उस कंपैरिजन का मतलब है काम हमें फिर भी अपने ऊपर ही करना है। ये तो दो चीज़ें हो गई कि हमें चलते रहना है, काम करते रहना है, आगे चलते हैं। सब लोग गूगल यूज करते हैं, कोई है जो गूगल यूज नहीं करता? कोई भी जिसने आज तक कभी गूगल यूज ही नहीं किया है? अब चलिए काम करते हैं, गूगल पर जाके सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं। सब लोग चाय भी पीते हैं कि चाय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टी इज गुड फॉर हेल्थ। क्या करेगा गूगल? बहुत सारे आर्टिकल देगा आपको कि भाई चाय बहुत अच्छा होता है, और हम मान भी लेंगे। अब क्या करते हैं, थोड़ा सवाल को बदल देते हैं, जाके सर्च करिए चाय स्वास्थ्य के लिए बुरा है, टी इज बैड फॉर हेल्थ। गूगल क्या करेगा? फिर भी आपको आर्टिकल देगा और फिर बताएगा भाई ये गलत है। अब किसको माने भाई? एक तरफ तो बोल रहा है सही है, एक तरफ बोल रहा है गलत है। कुछ ऐसा ही हमारे मस्तिष्क के साथ होता है।
हमारे मन के साथ होता है। तो वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये ऐसे ही नहीं बोलते। तो हमारा जो मन है ये दो हिस्सों में बट जाता है। एक को बोलते हैं चेतन मस्तिष्क या कॉन्सियस माइंड, जिससे हम सब लोग वो काम करते हैं जो अपने डेली का हमारा रोजमर्रा की जीवन है। दूसरा हमारा मन है सब कॉन्सियस माइंड या अवचेतन मन, और ये एक छोटे बच्चे की तरह है। इसको जो मना करेंगे, आप लोगों से बहुत सारी माताएं हैं एंड दे विल कोरिलेट, बच्चे को जो मना कर दो वो काम वो ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो काम तो उसको पक्का करना है, बोल दो भाई यहां नहीं जाना है, आप वहां से हटो, वहां पहुंच के दिखाएगा, ये नहीं छूना है, वो छू के रहना है। तो सब कॉन्सियस माइंड को ट्रेन करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें उसको तैयार करना पड़ता है। और जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चे जब अपने लर्निंग जर्नी में होते हैं, सीखते हैं, तो जो बुरी चीज़ें हैं उनको जल्दी सीख लेते हैं। हम लोगों ने सीखा होगा अपने बचपन में, स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में बहुत सारी बुरी चीज़ें सीखी होंगी, लेकिन एक समय के बाद वो खुद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं हमें जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि वहाँ हमें एक अच्छा रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। लेकिन समय तो लगेगा उसको ठीक करने में। तो हमें अपने सबकॉन्सियस माइंड को तैयार करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचे। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। आधी जो लड़ाई है ना वो आपके दिमाग में होती है, आधी लड़ाई उसी में। एग्जाम्पल दूंगा, जब हम अपने इतिहास में जाते हैं और हमारे शिवाजी महाराज हुए, उनकी जो सेना थी मुगलों के सामने छोटी थी, फिर भी मुगलों को पीछे हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला सेनापति था वो मारा गया, वो डर गया। तो जो सेना की ताकत है वो उसके संख्या बल में नहीं, उसकी सेनापति में होता है। उसी तरीके से इंसान की जो ताकत है ना वो उसके यहाँ छुपा है। और हम सब को इक्वल ही दिमाग मिला है, हम उसको यूज कितना करते हैं वो हमारे ऊपर। अब जो यूज नहीं करते उसको देख के ऊपर वाले बड़े खुश होते हैं, यार मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कंप्लीट खाली भेजा था खाली ही आया है, मेहनत नहीं करना, कोई इरेज डिलीट नहीं करना है, उनका भी मेहनत बच गया। जो वहाँ पे बैठ के इंसान को पैक कर रहा होगा वो खुश होगा, यार चलो एक मेहनत बच गया आज तो, चलो एक क्लास मिल गई जो फ्री है हमारा, जो थोड़ा बैठ के था चाय वाय पीते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। अब जो मेहनत करके जाता है उसके दिमाग में, यार इसने बहुत मेहनत किया यार, इसको थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी, क्लीन करना पड़ेगा, ठोक ठाक के फिट करना पड़ेगा कि अगले इंसान में जाने के लायक है या नहीं। तो हमें वैसा स्थिति लाना क्यों है? वैसे एक साइंटिफिक रिसर्च है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का कि हम अपने जीवन में, चलिए सवाल पहले आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है हमको, हम अपने जीवन में अपने दिमाग को कितना प्रतिशत यूज करते होंगे? कोई भी गेस, कुछ भी मन में आए, कितना यूज करते होंगे? ठीक है चलिए, और किसी के मन में कुछ क्या लगता है, वो 9% सही है या गलत है, इस भी तो वोट कर सकते हैं उसके आसपास। सही बात, इतना भी नहीं कर पाते। दुनिया में सिर्फ 0.1% लोग होते हैं जो अपने दिमाग को लगभग 9% यूज कर पाते हैं, बाकी के 99% यूज नहीं कर पाते। उनका दिमाग क्या है ना, बिल्कुल खाली मैदान की तरह है, उस पर भगवान को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भाई आया, दोबारा अगले डब्बे में पैक करो और भेज दो उसको, वहाँ जो भी दिमाग को पैक कर रहा होगा वो खुश होगा, यार चलो यार धरतीवासी बड़े अच्छे हैं, मेरे मेहनत का ख्याल रखते हैं, ज़्यादा काम नहीं करवाते मेरे से। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें वो क्षमता दी गई है, हमें वो ताकत दिया गया है, हमें वो एबिलिटी दिया गया है जिससे हम चीज़ों को बदल सकते हैं। तो यही सबकॉन्सियस माइंड हर जगह जरूरी है। ये बिलीव कर लेना कि ये काम हो सकता है, वो उस काम के आधे होने को पूरा कर चुका है। और आज की तारीख में जहाँ पर हम तकनीक से जुड़े हुए, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले तकनीक उतना ज़्यादा नहीं फैला था, बट आज फैला है। अब हर चीज़ के अच्छे पहलू भी होते हैं, हर चीज़ के बुरे पहलू भी होते हैं। तो तकनीक के जो अच्छी पहलू है वो बहुत अच्छा है और उसको हमें यूज करना है। तो जो कुछ भी हमें सीखना है, जो कुछ भी हमें अडॉप्ट करना है, वो उस सबकॉन्सियस माइंड में ही अडॉप्ट करना है। दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, शुरुआत कर लेते हैं गैलीलियो गैलीली से, क्या लगता है वैज्ञानिक थे? नहीं,
पाइथागोरस की बात कर लेते हैं भाई, बचपन में बहुत परेशान किया था उनके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ने कि भाई क्या बना दिया है, क्या लगता है मैथमेटिशियन थे? नहीं, दुनिया के जितने वैसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो किसी और ने नहीं किया, सबके ऊपर उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दूसरों से बेहतर यूज किया, उन्होंने अपने गट फील को या सिक्स सेंस को या अपने इंट्यूशन को बेहतर यूज किया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एस रामानुजन। अगर हम बात कर ले, क्योंकि बाकी जो आपको दो एग्जाम्पल दिया, गैलीलियो गैलीली और पाइथागोरस, वो जब पैदा हुए थे तब हम कहाँ थे हमें पता भी नहीं था, थे भी या नहीं थे वो भी नहीं पता था। बट रामानुजन एक ऐसे थे जो बहुत नज़दीक के इतिहास के हैं, तो इनको हम कोरिलेट कर सकते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, बहुत सारी किताबें भी हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतना मेहनत करते थे कि उनको सर्जरी कराने के लिए एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाई मुझे एक मैथ्स का प्रॉब्लम दे दीजिए और मेरी सर्जरी कर लीजिए, ये प्रैक्टिकल रियल स्टोरी है उनके लाइफ की, इतना डेडिकेटेड थे भाई। आप वो तो सर्जरी करा लिया, हमें बोला जाए भाई थोड़े से एक दांत में आपको कुछ उखाड़ लेते हैं, वो भी मुश्किल है, वो भी संभव नहीं है, उसके लिए हमें एनेस्थेसिया की जरूरत है। तो यहाँ हमारा जो तात्पर्य है, यहाँ हमारा जो सार है, वो सार ये है कि हमें अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है, क्योंकि जब हम अपने इस अपने शिक्षा के जर्नी में होते हैं, जब दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, तो बच्चों में भी जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ डर होता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, और शायद उस डर की वजह से ही हम कोशिश ही नहीं कर पाते। और जब गलती से, क्योंकि देखिए जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, माताएं ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगी, उसे अपने पैर पर खड़े होने में कम से कम 9 से 12 महीने लग जाते हैं, और भी पहली बार में खड़ा नहीं हो पाता है, खड़ा होगा गिरेगा, खड़ा होगा गिरेगा, और माताओं के लिए बड़ा पनिशमेंट वाला समय होता है, अब तो चलना सीख लिया, अब जाके किस दीवार को सर मारेगा हमें भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता, क्योंकि बच्चा है वो। तो उसी तरीके से हमारा जो सब अवचेतन मस्तिष्क है वो हर दिशा में भागता रहता है, और इन्हीं भागनों को हमें एक जगह इकट्ठा करना है, और इसी एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेडिटेशन या ध्यान। वो ध्यान वो नहीं है कि भाई हमने माला वाला ले लिया, कोई हिमालय वाले पे जाके बैठ गए तो भाई हमारा मेडिटेशन हो गया, वो भी एक तरीका है भक्ति योग का। हम सब कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी का मतलब वो जिनके लिए उनका कर्म ही धर्म है और कर्म ही पूजा है, और हमारा कोई भी शास्त्र, चाहे वेद हो, चाहे उपवेद हो, चाहे पुराण हो, कहीं ये नहीं बोलता है कि आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी को छोड़कर भाग जाओ और जाके संन्यास ले लो। और इसका एक एग्जाम्पल प्रूफ भी कर दूंगा, महात्मा बुद्ध, आपने अगर उनको सुना होगा या उनको पढ़ा होगा, बेचारे सोचे कि अब राजपाट छोड़ देते हैं लेके आते हैं, क्या हुआ, हो गए उनके संन्यास, हो गई उनकी सिद्धि? नहीं हुई, उन्हें वापस आना पड़ा, अपने पत्नी से, अपने बच्चे से इजाजत लेना पड़ा कि हाँ मुझे ये करना है, तुम मुझे आज़ादी दो इस कार्मिक बंधन से तो ही मुझे मिलेगा। तब वो वापस गए और उन्होंने उस सिद्धार्थ से, महात्मा बुद्ध की उनकी जर्नी पूरी हुई। तो ये जो ध्यान है या ये जो मेडिटेशन है, ये हम सब के जीवन का हिस्सा है, और हिस्सा था भी। जैसे अगर आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले चलें, या आप लोग अपने बचपन के दिनों में चलें, तो हम लोग समय से उठ जाते थे भाई, सूर्यदेव उठे ना उठे हम पहले उठ जाते थे। आज होता है क्या? हकीकत है, नहीं होता है, हकीकत है कि नहीं होता है। मीन्स अगर हम सूर्य के साथ नहीं उठ पा रहे हैं, मतलब हम सूर्य को अपमान कर रहे हैं। तो अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो है कि हमारा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मतलब कि हम भाई रात में काम करते हैं जिसकी वजह से हम सुबह नहीं उठ सकते, जिनका नाइट शिफ्ट है, बहुत सारे लोगों का है, उनके लिए जस्टिफाइड है, बाकी लोगों के लिए जस्टिफाइड नहीं है। हम जीवन में जो सबसे पहला काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कभी डर से नहीं आता, डिसिप्लिन हमेशा हमारे अंदर से आता है, और ये डिसिप्लिन जब तक हम अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ।
एक बहुत बड़े गुरुजी थे, बहुत मान्यता थी उनकी। तो उनके पास एक माता आई कि गुरुजी मेरा बच्चा आपकी बात को बहुत मानता है, वो चीनी बहुत खाता है, कुछ करिए कि वो चीनी छोड़ दे। गुरुजी ने बोला ठीक है माते, मैं करता हूँ। एक हफ्ता बीत गया, दोबारा आई, गुरुजी आपने अभी तक नहीं बोला, कुछ बोल दीजिए, आप बोलेंगे तो वो चीनी छोड़ देगा। फिर कुछ नहीं हुआ। ऐसे हफ्ते दर हफ्ते बीतते चले गए, लगभग 3-4 हफ्ते बीत गए, तो आज तो माता जी एकदम फुल गुस्से में आई कि गुरुजी ने मुझे क्या ले रखा है, मैं 4 हफ्ते से आ रही हूँ, डेली उनको बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे को बोल दीजिए वो चीनी छोड़ देगा, और उनकी बात पे छोड़ भी देगा, फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। आज तो मैं इनसे फुल लड़ाई वाले मूड में हूँ, तो बाकी आप लड़ाई वाले मूड को सोच सकते हैं। और जब वो पहुंची महिला गुरुजी के पास, उन्होंने गुरुजी को यही बात बोली कि आप मुझे 4 हफ्ते से ऐसे ही दोहरा रहे हैं, 4 हफ्ते से ऐसे ही बोल रहे हैं, आपने कुछ किया नहीं। क्या लगता है आपको गुरुजी का आंसर क्या रहा होगा? बिल्कुल। तो गुरुजी ने क्या किया, पहले खुद छोड़ा कि मुझे भी छोड़ने में 4 हफ्ते लग गए, तब जाकर मैं किसी को बोल सकता हूं। तो सिर्फ प्रवचन दे देने से या बोल देने से कि भाई ये तुम कर लो, हमारा बच्चा हो या हमारा स्टूडेंट हो या कोई भी हो, वो उस काम को नहीं करेगा। जब वो खुद देखिए, अगर खुद नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। तो किसी भी चीज को बताने से पहले, किसी भी चीज को ऐड करने से पहले, उसे हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर हम जाकर बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई तुम जाकर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ो, तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा कि भाई हम पढ़ेंगे तो हमें देखेगा, हमें देख के वो आएगा। और वो क्या होती है ना, बच्चों में बड़ा कॉम्पिटिशन का समय होता है। एक को आप पहुंचा दीजिए लाइब्रेरी, बाकी सारे अपने आप पहुंच जाएंगे। सिर्फ पहले को पहुंचाना है। तो यहां पहुंचाने से मतलब ये है कि हमें वो अपने अंदर एम्बेड करना पड़ेगा कि क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं। क्योंकि और इसकी जरूरत हम सबके पास बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब जो अगले कुछ मिनट में बात करने वाला हूं ना, बहुत गंभीर बात करने वाला हूं, अभी तक तो चलो बहुत लाइट बातें कर रहा था। कहने को हम 140 करोड़ की लगभग आबादी है, दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है बाई एज, लगभग 28 साल हमारा एवरेज एज है, 28.2 ईयर्स। और आने वाले लगभग 2 दशक में हमारा जो एवरेज एज है वो 23-24 के साथ चला जाएगा। ये सब तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लगती है ना, भाई इतना विशाल युवा शक्ति है, इतना बड़ा काम करेंगे। बट अगला जो आंकड़ा बताऊंगा वो परेशान करेगा। हम दुनिया के सबसे बड़े डायबिटिक कैपिटल हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्री मैच्योर कार्डियक डेथ्स होते हैं। होता क्या है बताता हूँ। प्री मैच्योर कार्डियक डेथ्स का मतलब 40 साल से कम उम्र में कार्डियक अटैक आना या हार्ट अटैक आना, जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा हो गए या इस तरह के जो फिल्म एक्टर्स हैं जिनको आता है। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल गई है और इसका एक बहुत बड़ा वजह हमारे यहाँ छुपा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये अपने अंदर भी इम्यूलेट करना है, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हैं, आपके अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको जो ये जीवन मिला है वो एक भाड़े की जिंदगी है, आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आपको एक भाड़े का जीवन मिला है जिसमें आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, प्रकृति के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, इंस्टीट्यूशन के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति। और हमें उन हर जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और वो जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो हमारे घर से शुरू होती है। वो बोलते हैं ना, द टीचिंग स्टार्ट फ्रॉम द हाउस या द होम। तो जो शुरुआत करनी है वो भी घर से ही करना है। तो यहाँ भी जो हमारा तात्पर्य है कि हमारे पास एज अ टीचर एक रोल मॉडल बनने का मौका मिला है, एक ऐसा मौका मिला है जिससे हम लोगों को या आने वाले भविष्य को हेल्थ बना सकते हैं, एक ऐसा समय दे सकते हैं कि वो कम से कम बोले यार डांटा तो था लेकिन उससे मैं फिट हो गया, उससे मैं हेल्दी हो गया, उससे मैं बेहतर हो गया। क्योंकि जीवन में रिटेक नहीं होता, एक बार समस्या आ गई तो आ गई, उसके बाद हम सिर्फ रोकथाम पे, सिर्फ बचाव की तरफ जाएंगे। और अक्सर हमें लगता है, खासकर और ये ज़्यादा वैलिड उनके लिए होगा ना जो प्राइमरी स्कूल टीचिंग में है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें लगता है यार छोटे बच्चे हैं क्या टेंशन होगा इनको,
आम बोलचाल की भाषा है ना, बच्चों को क्या टेंशन होगा, सब लोग मानते हैं। कितने लोगों को लगता है कि बच्चों को टेंशन नहीं हो सकता? बहुत लोगों को लगता है, मेजोरिटी लोगों को लगता है, हकीकत यही है। मैं आज से 2 साल पहले लगभग किसी से बात कर रहा था इंडिया टुडे में किसी चीज़ के लिए, तो मेरी यही बात हुई कि भाई बच्चों को क्यों टेंशन होगा, बच्चों को तो टेंशन हो ही नहीं सकता है भाई, उनको क्या दिक्कत है। माता पिता पैसे दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक हैं ही बाकी ज़िंदगी के लिए, तो उनको किस चीज़ की परेशानी। बट हकीकत ये है कि उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है जिसको शायद हम समझ ही नहीं पाते, जिसे बोलते हैं एकेडमिक स्ट्रेस। एंड 2019-20 में लगभग NCERT ने खुद एक स्टडी किया था, NCERT CBSE ने मिलके, कि भाई जो बच्चों के ऊपर एकेडमिक स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप लोग थोड़ा न्यूज़ पढ़ते हैं, तब एक बहुत बड़ी हैपनिंग आई है कि सरकार को यह आदेश देना पड़ा कि भाई कोटा में अगले 2 महीने कोई एग्जाम नहीं होगा, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोलना पड़ा सारे एग्जाम बंद करो। क्यों? सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो चीज़ों के लिए उतना अडेप्टेबल नहीं है, चीज़ों को उतना जल्दी अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने तक नहीं है, हमारी जिम्मेदारी उनके जीवन को प्रभावित करने तक है कि उनके जीवन को हम प्रभावित कैसे कर सकते हैं। और ये प्रभावित हम तब कर पाएंगे जब वो हमसे रिलेट कर पाएंगे, हमसे जुड़ पाएंगे। उनको लगेगा अरे ये बोल रहे हैं सुबह 5 बजे उठना चाहिए, खुद तो 10 बजे उठते हैं, तो मैं आपकी बात को क्यों मानूं भाई, मुझे तो कैसा फैक्टर मिलना चाहिए कि मैं बात को मानूं कि हाँ ये बोल रहे हैं। तो हमें वो एग्जाम्पल के साथ सेट करना पड़ेगा कि हाँ हमारे अंदर भी एग्जाम्पल। और इसका 2 फायदा है, बच्चे को मोटिवेट करने के साथ साथ हमारा जो खुद का जो अपना हेल्थ है, हमारा जो खुद की अपनी क्षमता है, हमारी खुद की जो अपनी ऊर्जा है, वो भी बेहतर होने लगेगी, वो भी हमें एक आगे की ओर बढ़ाते रहेगा। और इन सब का जो सार छुपा है वो छुपा है हमारे मन में। जो फार्मेसी वाले हैं उनको थोड़ा बुरा लग सकता है अगला जो लाइन बोलने वाला हूँ, खुद मैं फार्मेसी का हूँ तो इसलिए बुरी बातें बोलता ज़्यादा हूँ। दुनिया की 80% से ज़्यादा बीमारी साइकोसोमैटिक होती है। इसको साइंस नहीं मानता, क्योंकि इसको मान लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर $multi-trillion की इंडस्ट्री है, वो तो नालायक हो ही नहीं सकती भाई, वो तो कुछ काम ही किए होंगे ना। तो देखिए साइकोसोमैटिक का मतलब वो चीज़ें जो हमारे मन से जुड़ा है। तो अगर सिर्फ हमने अपने मन को साथ लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथ लिया, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के हर हिस्से को बदल सकते हैं। और दूसरी चीज, आप सोचेंगे कि मुझे आज से 4 बजे उठना है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चाहे इसके लिए जो कर ले। क्या हुआ था बचपन में जब पहली बार सीढ़ी चढ़ना शुरू किए थे, ग्राउंड फ्लोर से सीधा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए थे, नहीं पहुंचे थे, आज भी नहीं पहुंच सकते। आज भी ग्राउंड फ्लोर पर अगर हम खड़े हो जाए और बोल दिया जाए भाई फर्स्ट फ्लोर पर जाना है और एक बार में ऊपर पहुंच जाना है, लिफ्ट भी नहीं पहुंचता, उसको भी धीरे धीरे पहुंचना पड़ता है उस फ्लोर पे, और सीढ़ी को तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। वैसा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। हम कभी भी सबकॉन्शियस माइंड को 0 से 1 पे नहीं पहुंचा सकते, वो हमेशा 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे धीरे धीरे बढ़ के 1 तक पहुंचेगा। अगर मैं आज 8 बजे उठ रहा हूँ तो मुझे 7:55 करना पड़ेगा, 7:50 करना पड़ेगा, 45 करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा, ऐसे धीरे धीरे करके अगर हम हर हफ्ते में 10 मिनट भी कम करेंगे ना तो 52 हफ्ते में 520 मिनट होते हैं, उतने की हमें शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 520 मिनट का मतलब 7 घंटे, फिर तो आप सो ही नहीं रहे, उतने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर हमने हर हफ्ते या 2 हफ्ते भी खुद को सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, तो उसको काम, ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चों को कुछ बता रहे हैं, उनमें क्या डर होता है कि भाई नहीं होगा तो क्या होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भाई अगर मुझे जाना है ना तो मुझे डायरेक्टली PhD ही करना है, डायरेक्ट PhD नहीं कर सकते, हमें नर्सरी, KG, UKG, आगे बढ़ के 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, इस लेवल तक धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब, हम सब लोग अभी तो खैर स्कूल्स में एग्जाम्स बंद हो गए हैं, काफ़ी जगह बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते हैं, बट जब हम लोग बचपन में थे हर क्लास में एग्जाम होता था। क्यों?
और जिनको अच्छे नंबर आते थे उनकी सवासी भी होती थी, उनको मिठाइयाँ चॉकलेट्स भी मिलते थे, उनकी थोड़ी स्टेटस बढ़ जाती थी, अरे ये तो भाई इस स्कूल का टॉपर है, बड़े शान से छीने चौड़े करके घुमा करते थे कि कुछ तो किया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम उन चीजों को सेलिब्रेट कर पाते थे। ये ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सर को पुणे भी जाना है। तो हमें अपने जीवन में बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्मॉल विंस। अगर मुझे 100 केजी वेट कमाना है तो मुझे पहले आधा केजी कम करना पड़ेगा, फिर 1 केजी कम करना पड़ेगा, बूंद बाई बूंद ही मेरा काम होगा। तो मुझे हर चीज के लिए, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दीजिए। अगर आपने किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे हिस्से में ब्रेक कर दिया, आपने उस प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर दिया। जो मैथ्स के टीचर होंगे मेरे साथ कोरिलेट कर पाएंगे, बड़े बड़े जो अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और स्टेप मार्किंग के नंबर भी मिलते हैं कि भाई इसने आधा स्टेप सही किया, चलो उसे कुछ नंबर दे देते हैं, कुछ ग्रेस मार्क दे दिया जाए। आधे लोग नहीं भी देते यार, क्या क्या कुछ तो किया ही नहीं, काट देते हैं। अब दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। मेरे एक टीचर थे वो बोला करते थे, जिन टीचर्स को खुद नंबर मिलते हैं वो खूब नंबर देते हैं, जिनको नहीं मिलते वो नहीं देते। पता नहीं आप लोग कितना कोरिलेट कर पाएंगे, बट उनकी ये बात है मुझे आज भी याद है, वो बहुत बोला करते, क्योंकि वो हिंदी के टीचर थे और हिंदी में बच्चों को 100 में 100 देते थे। बोलते थे भाई मुझे बहुत नंबर मिले इसलिए मैं बहुत नंबर देता हूँ, भाई तुम्हें नहीं मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बांटना बहुत जरूरी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलिए अगला चीज बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा आप लोग से पूछते हैं, लास्ट टाइम जब आपने खुद को शाबाशी दी हो, याद करिए, लास्ट टाइम जब आपने खुद को किसी चीज के लिए शाबाशी दी हो, शायद याद नहीं आ रहा होगा, किसी और ने आपको दी हो वो भी शायद याद नहीं आएगा। सबसे पहले हमें यही परिवर्तन लाना है। स्मॉल विंस मेक्स द बिग विक्ट्री। सब लोग क्रिकेट देखते हैं और खासकर विराट कोहली वगैरह को, या अगर आपको वो ट्रॉफी याद होगी सौरभ गांगुली के जमाने की, नेटवेस्ट ट्रॉफी इंग्लैंड में, जब भारत जीता था तो गांगुली ने अपने शर्ट को उतार के नचाया था। या आप क्रिकेट को अगर देखेंगे या फुटबॉल को भी देखेंगे, हर एक विकेट के बाद या हर एक बड़े अचीवमेंट, हर एक छोटे अचीवमेंट के बाद भी बहुत अच्छे से वो सेलिब्रेट करते, ऐसी खुशी जो खुशी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। और बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनके तो डांस या जिनके ऐसे चीज़ बड़े वायरल होते हैं, जैसे क्रिस गेल का हमारा एक डांस वायरल हो गया था कि भाई आउट करने के बाद बहुत एंजॉय करते हैं। क्यों? आराम से भी तो रह सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, विकेट ले लिया अच्छी बात है ना, स्टिल दिस सेलिब्रेट। ये चीज है जो हमें सीखने की जरूरत है, ये चीज है जो हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हमें खुद को शाबाशी देना सीखना है। अगर आपने खुद अच्छा किया है तो खुद को शाबाशी दे, बिल्कुल दे कि आपकी आज मैंने अच्छा काम किया है। ये जो छोटा सा वर्ड है ना, आपके माइंड को बदलने की ताकत रखता है। कैसे? कोई आपको आके डेली बोले, महिलाएं ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे इस एग्जांपल के साथ, आज तुम अच्छी नहीं दिख रही हो। पहले ने बोला अरे होस्ता में से जल रही होगी, दूसरे ने बोला इट्स ओके, तीसरे ने बोला इट्स ओके, जहां 10 लोगों ने बोल दिया यस सीरियसली कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो अच्छा नहीं दिख रहा होगा मेरे में, तुरंत आईना में लग के फिर रीटचअप री मेकअप शुरू हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, होता है, प्रैक्टिकल रियलिटी है। कुछ वैसा ही हमारे साथ होता है। हम जो अपने मन को बार बार बोलते हैं, बार बार बताते हैं, हमारा मन उसको एडॉप्ट कर लेता है। इसी को बोला जाता है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब, या पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब, कि अपने मन को हम सकारात्मक चीजें बताएं कि भाई, और ये सकारात्मक चीजें हमारे लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी है। क्योंकि जब बच्चों को उनके हम छोटे छोटे अचीवमेंट्स के लिए, कोई भी अचीवमेंट छोटा नहीं होता है, एज अ टीचर एज अ मेंटर हमें उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अरे चलो इसके लिए ना सेलिब्रेट करेंगे, माइलस्टोन सेलिब्रेशन। अभी जैसे लोग नए नए जो इनकी शादी होती है ना, वो सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकेंड मंथ एनिवर्सरी, थर्ड मंथ एनिवर्सरी, ऐसे ऐसे चल के वो 12 महीने पहुंचता है, और 12 महीने के 12 सेलिब्रेशन। आज से कुछ साल पहले नहीं होता था, हो सकता है एक मजाक के पहलू में, मजाक के रूप में ले सकते हैं, बट उससे एक सीख लेने की भी चीज है कि हम खुद को बदल सकते हैं, खुद को बेहतर कर सकते हैं।
तो हमें अपने ऊपर तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है, बच्चों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है कि बच्चों को भी ये मिलना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा किया है। क्योंकि गलती करेगा नहीं वो कभी सीखेगा नहीं। वो बोलते हैं ना, एक अभी मूवी है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें एक सेइंग है, डायलॉग है नसीरुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि हम जो गरीब लोग हैं ना उनके जीवन में सिर्फ दो ही चीज़ होता है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, हारते तो है नहीं। वो अपन के डिक्शनरी में ही नहीं है। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी है, गोल्फ के ऊपर बनी हुई है, मुझे मूवी का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, तो उसके ऊपर। तो हमें वही एटीट्यूड अपने अंदर भी लाना है और बच्चों के अंदर भी लेकर आना है। अब कब लाएंगे? बात तो ये भी है ना कि लाएंगे वो तो समझ लिया, कब लाएंगे? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब आधी प्रॉब्लम यही शुरू होती है, भाई सोच तो सब लेते हैं करेंगे, जब करने की बारी आती है सिर्फ दुनिया में 3% लोग होते हैं जो उसको कर पाते हैं, 3%, बाकी 97% हर रात राजा बनते हैं। भाई आज तो अपन ही राजा है इस दुनिया का, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और गलती से सुबह उठ गया तो 2-4 बगल वाले को सुनाते भी कितना बढ़िया मैं सपना देख रहा था, मैं तो राजा या रानी या राजकुमारी या कुछ भी बन गया, मैं तो रैंप वॉक कर रहा हूँ या किसी अपने बड़े आइकॉन से मिल रहा हूँ, तुमने मेरे उस सपने को तोड़ दिया। तो जो बिगेस्ट डिफरेंस है, जितनी बातें की, जो कुछ भी चर्चा किया, अगले 5 मिनट में मैं रैप करूँगा क्योंकि सबको जाना भी है, तो नहीं आपको जाना भी जरूरी है क्योंकि बाप आने वाला हो रहा है, तो उस हिसाब से, क्योंकि मैं बोलता रहूँगा तो मैं बोलता जाऊँगा, मैं थकूँगा नहीं, क्योंकि मेरी आदत है बोलने की। मैं भी कभी टीचर हुआ करता था, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब मैं क्लास अराउंड 7 साल का था, और हर चीज़ पढ़ाई है, मतलब अपने से नीचे के बच्चों को, जब 10th में गया तो 9th वालों को, उससे थोड़ा ऊपर गया तो US के लिए एग्जाम होता है SAT का, तो SAT के बच्चों को पढ़ाता था, SAT केमिस्ट्री, SAT बायोलॉजी, काफ़ी साल पढ़ाई है, 7 साल 8 साल। एक समय था, मतलब जो भी आज के जो कोटा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं सबके ऑफर थे मेरे पास, बट मुझे था कि उस तक पढ़ाना इंटरेस्ट नहीं था, बट इनफैक्ट आज भी बहुत पढ़ाता हूँ वो अलग बात है कि उस समय वो प्रायोरिटी नहीं थी कि भाई वो वहाँ मैं अपने आप को नहीं देखता था, बट आज लगता है कि तो मैं कभी ख़त्म नहीं होऊंगा, मैं कभी एंड नहीं होऊंगा, मैं बोलता चला जाऊंगा। अभी सुबह में हम लोग शेखर सर के यहाँ थे, हमारी बात हो रही थी, तो हम कुछ बात कर रहे थे, क्या बताएंगे आज, क्या बात करेंगे, मैंने एक्चुअली यही वर्ड बोला था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बात करूँगा, वो तो मैं खड़ा होऊंगा उसमें डिसाइड करूँगा मुझे क्या बोलना है। तो लाइफ कुछ ऐसा ही है, और लाइफ को इसी तरीके से जीने को हम बोलते हैं, बहुत अच्छा सा नाम दे देता हूँ, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब अभी प्रेजेंट में जीना। दुनिया के 99% लोग या तो अतीत में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं, काश ऐसा किया होता तो आज मेरे साथ ये होता, काश मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता आज वो मेरी होती। बहुत सारे भाई बोलेंगे भाई ये सिर्फ अब मैम का एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोगों को क्यों छोड़ दिया, हकीकत है बहुत सारे लोगों के ऊपर स्माइल्स आ रहे हैं, तो जिनके स्माइल्स नहीं आ रहे हैं थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बट हकीकत ये है ना, मतलब दिस इज प्रैक्टिकल रियलिटी, दिस इज प्रैक्टिकल हार्स रियलिटी, और अच्छी रियलिटी भी है। ये मुस्कान अच्छी है ना, चलो नहीं हुई तो क्या हुई, 10 सेकेंड के लिए खुशी तो मिल गई, अभी स्माइल तो आ गया इतने सालों के बाद, वो कहा किस दुनिया में, हम कहा किस दुनिया में, बट आ गया। तो ये जो माइंडफुलनेस है वो क्या है, आज इस तारीख में जीना। बहुत छोटी चीज लगती है बट बहुत गंभीर है। जो हमारे बच्चे भी हैं वो इसी से गुजर रहे होते हैं, काश मुझे 10th में अच्छा नंबर आ जाता तो मेरा 12th अच्छा हो जाता, काश मुझे 12th में ये हो जाए तो मैं ग्रेजुएशन में ये कर लूंगा, या तो पास्ट या फिर फ्यूचर। और ये भूल जाते हैं कि आज जो मेरा प्रेजेंट है यही मेरे कल का पास्ट होगा। जैसे आज हम बैठे हैं 10 सितंबर 2023 को, आज जो हमारा दिन है वो 11 सितंबर के लिए अतीत हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। जिस पास्ट की हम चिंता कर रहे थे या जिस फ्यूचर की चिंता कर रहे थे, 9 सितंबर को हम जो चिंता कर रहे थे कि कल क्या होगा, वो आज आ चुका है। और आज जिस हम कल की चिंता कर रहे हैं वो कल आ जाएगा और वो आज हो जाएगा। तो किसी भी काम को शुरू करने का सबसे बेहतर समय कब है? आज। वो बोलते हैं ना, आज करे सो अब करे, बस इतना ही रखूंगा, आज करे सो अब, क्योंकि नहीं तो फिर आप उस कविता के मोड में चले जाएंगे, उस मोड में मुझे लेके नहीं जाना है। तो आज तक तो पहुंच गए, लेकिन साथ में ये भी बोला
आज करे सो अब। मीन्स किसी भी काम को शुरू करने का जो सबसे बेहतरीन समय है वो है अभी, जिस समय हम बैठे हैं। जिस समय बैठे हैं इससे बढ़िया दूसरा कोई टाइम नहीं हो सकता है। तो खुद को शाबाशी दे लीजिए, सही में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने ही लोग हैं, खुद को शाबाशी दे लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। एंड खुद ये आप खुद को हर दिन में करिए, 21 दिन करके देखिए, मैं 21 दिन बाद दोबारा आ जाऊंगा और आप बोलेंगे कि सर मेरे अंदर चेंज आया। आप करना तो शुरू कीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए। एंड ये छोटी छोटी चीजें भी ना आपको मोटिवेट करेंगी। तो यही है, बाकी अगले 30 सेकंड में खुद को रैप करूंगा। मेरे लिए रैप करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एंडलेस हो जाता है। तो यहाँ बहुत जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने का मतलब है आज में जीना है, जिसे हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। दूसरा, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना है, खुद को शाबाशी देना है। और दो शब्द जो अंग्रेज देखे गए थे, आलोचना बहुत करते हैं बट काम के बहुत है, थैंक यू और सॉरी, बहुत काम के शब्द है। तो एक प्रैक्टिस बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए कि रात को सोने से पहले अपने मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए कि मैं हर उस इंसान को माफ करता हूं जिसने कुछ भी गलत किया है, आई फॉरगिव एवरीवन। और साथ ही साथ अब माफी तो दे दी, माफी मांगनी भी तो पड़ेगी, आई सीक फॉरगिवनेस एज वेल, मैं माफ करता भी हूं और माफी मांगता भी हूं। ये हमें अपने लाइफ में एज ए प्रैक्टिस इंप्लीमेंट कर लेना है। इसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो जापान में एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं वाबी साबी। तो वाबी साबी यही सिखाता है। जापानीज ने बहुत सारे कंसेप्ट बनाए हैं, वाबी साबी, इकीगाई, जो सब हमारे वेदों से बहुत सिमिलर हैं, जो हमें दिखाता है कि क्या है। तो यहाँ हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हमारे मन के अंदर जो भावना छुपी है, इमोशन क्या है, एनर्जी इन मोशन, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसको गति में होना है। अब जिसको गति में चलना है उसको हमने बांध दिया है। अब एक छोटे बच्चे को दौड़ना है उसको आप गोद में लेके बैठ जाइए, क्या करेगा वो आपको पता है। तो उसी तरीके से इसे इमोशन को होल्ड नहीं करना है, इस इमोशन को हमें एक्सप्रेस करना है। किसी को थप्पड़ मारने का मन करेगा, मार तो सकते नहीं है ना, वो प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसे हमें दूसरे तरीके से रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा ग्रैटिट्यूड है कि भैया मैं सबको माफ कर रहा है या कर रही हूं और मैं सबसे माफी भी मांग रही हूं, तो अगर मैं इसको सेंटेंस में फ्रेम कर दूं, आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम एवरीवन एंड द यूनिवर्स, मतलब इस प्रकृति से भी, क्योंकि हम लोग ना चाहते हुए भी गलती कर रहे होंगे, एंड आई फॉरगिव एवरीवन, मैं सबको माफ कर रहा या कर रही हूं। ये एक एज ए हैबिट हमको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना है। माफी तो मांग ली बट थैंक यू भी बोलना पड़ेगा ना। अब थैंक यू किसको बोले भाई, चलिए बताते हैं। सबसे क्लोजेस्ट पर्सन जिसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए, जिसको हम कभी थैंक यू नहीं बोलते, अपने घर को। अपने घर को मतलब मुझे नहीं लगता कि आपने कभी अपने घर को थैंक यू बोला है, बोलना चाहिए, क्योंकि आपका जो घर है जहां आप रहते हैं वो 2400 घंटे सातों दिन 365 दिन आपकी रक्षा कर रहा है, आपको धूप बारिश धूल मिट्टी सब चीज से बचा रहा है, वो थैंक यू डिजर्व करता है। ये थैंक यू क्या है, और सिर्फ वही नहीं, अब सपोज करिए कि आज आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, संडे था वैसे भी, कुछ ऐसा ही आपके हर्ट को लगे, यार आज तो संडे, आज मैं भी छुट्टी मनाऊंगा, सोचिए क्या हो कि आज आपका हर्ट बोले कि भाई बहुत मेहनत कर लिया मैंने, जब से पैदा हुआ हूँ डेली काम कर रहा हूँ, 2400 घंटे काम कर रहा हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं देता, आज तो भैया मैं आराम करूंगा, शायद वो एक मिनट भी आराम करे तो हम सब यहाँ ना रहे। तो थैंक यू हमें उस प्राण वायु को भी बोलना चाहिए, उस प्रकृति को भी बोलना चाहिए। तो ये है ग्रैटिट्यूड कि हर वो चीज जो हमारे सफलता के पीछे है या हमें बना रही है उसके प्रति अपनी भावना को एक्सप्रेस करना, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। और ये बहुत जरूरी है, और हमारी संस्कृति ने ये सिखाया है हमको। जैसे यहाँ हम बात करें, यहाँ हम हरियाली तीज खूब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि पर्यावरण की पूजा करते हैं। आंवला नवमी मनाते हैं, क्यों भाई, आंवला के वृक्ष की पूजा करेंगे। तो हर ऋतु के हिसाब से हमने किया है,
हम गौ माता की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ये प्रकृति का तरीका था हमको सिखाने का। आज पता नहीं आप लोगों से कितने लोग करते हैं, बट आज से 30 साल पहले आप लोग बचपन के दिनों को याद करेंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे कि 99% घर के आगे सूर्योदय से पहले रंगोली बन जाती थी। अपने बचपन के दिनों को याद कर लीजिए, आज देख लीजिए कितने घर में बनती हैं। शायद वो 5-10% भी हो जाए तो बहुत हो जाए। क्यों बनाते थे? क्योंकि वो हमारा एक तरीका होता था अपने उस घर को थैंक यू बोलने का कि भाई तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, तुम मुझे बचा रहे हो, तुम्हारे साथ इतनी सारी खुशी मिली। याद करिए घर के उस लम्हों को, घर के उस हिस्सों को जहाँ पहली बार आपके बच्चे ने आपको माँ बोला या पापा बोला। याद करिए वो समय जहाँ आपने पहली बार अपनी बचपन खेली। तो ये जो चीज़ें हैं ये बनाती हैं हमें। और इसी के साथ मैं भी आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा कि आप सब लोगों ने समय दिया मुझे सुनने का, और संडे के दिन समय दिया, ये और दोगुना बड़ी बात है। तो डबल थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। और ये थैंक यू हर उस दूसरे इंसान को बोलिए, हर उस दूसरे चीज को बोलिए जो आपको आज जो आप हैं वो बना रहा है। लाइफ में 3 चीज़ें याद कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और माइंडफुलनेस। इन तीनों चीज़ों को अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, आप खुद को तो बदलेंगे ही बदलेंगे, साथ ही साथ आप पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बदलने की ताकत रखते हैं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। आता जे व्याख्यान झालं या संदर्भात कोणाला जर काही विचारायचं असेल तर विचारू शकता सर। आपण आपल्या शंकांचं निरसन सरांच्या माध्यमातून या ठिकाणी केलं जाईल। अगला जो लाइन बोलूंगा वो आप लोगों को दिल तोड़ेगा, बट क्या करे, दिल तोड़ता हूं मैं, जाना जाता हूं उसके लिए। जब हम एस्ट्रोलॉजी को सोचते हैं या न्यूमरोलॉजी को सोचते हैं लगता है भाग्य का विज्ञान है। सुना भी होगा हमने बचपन में कि भाई एस्ट्रोलॉजी भाग्य का विज्ञान है, कि सबसे बड़ा झूठ है। एस्ट्रोलॉजी भाग्य का विज्ञान ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कर्म का विज्ञान है। अभी क्या होता है, हमें कहीं नए शहर में जाते हैं, कहीं जाना है, तुरंत मोबाइल निकाला, गूगल मैप खोला, लोकेशन डाल दिया और आंख बंद करके मान लेते हैं गूगल हमको सही जगह पे पहुंचा देगा। कभी कभी नहीं भी पहुंचाता है। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जीवन के कर्मों का GPS है। तो ये और कुछ नहीं, जीवन जीने का सलीका है, जीवन जीने का तरीका है। हमें कब और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वही एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजी कर्म विज्ञान है। आज जो मैंने चर्चा की ना वो उस कर्म की पहली सीढ़ी है कि कैसे हम अपने इस वर्तमान समय को बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि उसको हम बेहतर कर सकें। देखिए एनर्जी हीलिंग वो ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब जैसे एग्जांपल देता हूं, आप हॉस्पिटल जाते हैं या किसी के अंतिम क्रिया में शमशान या क्रीमेशन ग्राउंड जाते हैं, कैसा फील करते हैं? कैसा फील करते हैं? दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह की जो ऊर्जा है वो हमें दुखी कर रहा है। आप वैसे भी किसी क्रीमेशन ग्राउंड चले जाएं, किसी हॉस्पिटल चले जाएं, आप वहाँ अच्छा फील नहीं करेंगे। वहीं आप किसी मंदिर जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ आपका सबसे पसंदीदा इंसान हो, कैसा महसूस करते हैं? खुशी आती है। यही ऊर्जा है। तो इस प्रकृति की हर चीज़ में ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को ऑरा बोलते हैं। इंसान के लिए ऑरा होता है तो हमारी पूरी शरीर ये 7 चक्रों से मिलके बना है। और अगर इस ऊर्जा को हमने फिक्स कर लिया तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, जो कर्मों की बात की, ये ऊर्जा भी हमारे कर्मों से ही बनता है। तो अगर जैसे दूध को नापने के लिए लैक्टोमीटर है ना, वैसे कर्मों को भी नाप सकते हैं अपने इस ऑरा की मदद से। तो आज जो हमने चर्चा की है ना, कर्म है,
कर्म ही सब कुछ को बनाता है। तो एनर्जी हीलिंग इस ऊर्जा को ही बेहतर करने का तरीका है। आपकी आवाज नहीं आ रही। पार्डन, इजी। अच्छा, फेस रीडिंग। देखिए, बॉडी एंड फेस रीडिंग हमारे जीवन का हमेशा से हिस्सा रहा है वो, एंड महिलाएं इसमें एक्सपर्ट होती थी, क्योंकि आप पुराने जमाने की महिलाओं से मिलेंगे ना तो वो दूसरों के बहुओं को पांव देख के नाप लेती थी कितनी बदमाश होने वाली। तो ये हमारा फीट रीडिंग है। तो बॉडी और फेस रीडिंग हमारे जो शरीर है उसकी स्टडी है कि कैसे वो प्रभावित करता है। जो हमारा जो शरीर है, जैसे एक सेइंग हुआ करता था कि किसी कोई इंसान कैसा काम करता है ये उसके पाँव से जज करते हैं। जूता चमक रहा है मतलब इंसान अच्छा काम कर रहा होगा, या किसी प्रोडक्ट को देखते हैं उसकी पैकेजिंग से डिसाइड करते हैं अरे बड़ा अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। तो ये जो बॉडी एंड फेस रीडिंग है ये हमारे शरीर हमारा जो हिस्सा है, ये नहीं कि गोरा है काला है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मोटा है पतला है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आँखें कैसी हैं नाक कैसे हैं उससे फ़र्क पड़ता है, उससे करते हैं। तो महिलाएं इसमें एक्सपर्ट होती है। हमारे ये सब चीज़ें ना हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, हम अपने जीवन के उन मूलभूत सिद्धांतों से दूर भटक गए हैं, इसलिए हमें चीज़ें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा अच्छा नाम दे दिया ना, बॉडी एंड फेस रीडिंग अच्छा लगता है। वैसे इसका रियल नाम है सामुद्रिक शास्त्र, कहीं साइड में लिखा भी होगा। हाँ, सामुद्रिक शास्त्र लिखा हुआ है ना, तो शास्त्रों में यही लिखा हुआ है सामुद्रिक शास्त्र। हस्त जो पामिस्ट्री होती है वो भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, मानता नहीं तो मानता नहीं। देखिए, अब एक बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है कि अंगूठियां हम पहने क्यों। इसका ऑनेस्ट आंसर देता हूं, हम सब लोग गृहस्थ आश्रम में, दुनिया का कोई भी काम हम 24 आवर्स नहीं कर सकते। अगर आपको बोल दो कि आपको ये मंत्र जाप ही करना है, 24 घंटे नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो 24 घंटे हमारे काम में हमारी मदद करे। और यही जरूरत आती है, चाहे जेमस्टोन्स हो जो रत्न हैं, या उपरत्न हो गए जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, या रुद्राक्ष हैं, या जो कुछ भी है, ये 24/7 हमको हेल्प करती है। दूसरा, अगर हम अथर्ववेद के अंदर जाएंगे तो अथर्ववेद हमें तो भोजन को भी मंत्र पढ़ के खाने को बोलता है, वहाँ वो भी बताया गया है। तो जब हम भोजन को मंत्रों से उसको शक्ति दे सकते हैं, ये तो खैर एक रत्न पत्थर है जो अपने आप में बहुमूल्य है, तो इसको तो और दे सकते। तो रत्न अपने आप में ताकतवर नहीं होता, उसको जो हम मंत्र से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते वो उसको एक बहुमूल्य देता है। इसको ऐसे समझिए, हम सब लोग मंदिर जाते हैं, मानते हैं वहाँ भगवान है भी, और उस चेहरे को देखकर एक अनुभूति होती है, जो अनुभूति अपने आप में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाऊंगा आपको, ये वाक्य है राजस्थान से। एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति टूट गई। अब एक पुजारी जी थे, बहुत सालों से उनकी पूजा कर रहे थे, लिटरली उन्होंने आमरण अनशन किया कि भाई डॉक्टर इसको आईसीयू में भर्ती करके इसको ठीक करो, एंड करना पड़ा सिविल सर्जन को, क्योंकि इतना बड़ा इशू हो गया। तो ये हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है जो चीज़ों को बेहतर या बुरा बनाता है। तो हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। तो इस हम ये सोचेंगे कि रत्न हमारे जीवन को बेहतर कर रहे हैं तो ये बेहतर करेंगे, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद कुमार सर। आपण दिलेल्या विचारांची जुळवाजुळव करून मानवी जीवनाच्या विविध पैलूंचं मूल्यमापन जर केलं तर मनुष्याचं भविष्य देखील अतिशय आनंदी बनू शकतं, असे सुंदर विचार खरं तर गेले 1.5 तास